वेपन ट्रेनिंग क्लास फॉर एनसीसी कैडेट्स। वेपन ट्रेनिंग एनसीसी सिलेबस का हिस्सा है। ए, बी और सी सर्टिफिकेट की तैयारी के लिए इसे पढ़ना आवश्यक है। जय हिंद कैडेट, आज के इस प्रेयर के दौरान मैं आपको पॉइंट 22 राइफल के बारे में जानकारी दूंगा, जिसमें शामिल है पॉइंट 22 राइफल का जनरल डाटा, पॉइंट 22 राइफल को खोलना और पॉइंट 22 राइफल को जोड़ना। किसी भी वेपन को खोलने और जोड़ने से पहले उस हथियार के जनरल डाटा के बारे में पता होना निहायत ही जरूरी है, जिसे मैं आपको चार्ट की मदद से समझाऊंगा। आप गौर से देखें और समझें। कैडेट्स, ये आपके सामने पॉइंट 22 राइफल का डायग्राम है, जिसमें मैं आपको पॉइंट 22 राइफल के पूरे हिस्से पोर्टों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट 22 राइफल, आगे से आते हैं फ्रंट साइड। कैडेट्स, जब हम पॉइंट 22 राइफल से फायर करते हैं, उस दौरान हम टारगेट पे अलाइंस करने के लिए फ्रंट साइड का इस्तेमाल करते हैं। मजल, कैडेट्स, मजल जो है वो राउंड को टारगेट तक पहुंचाने में मदद देता है। बैरल, पॉइंट 22 राइफल के अंदर जो बैरल होता है वो राउंड को सिधाई देने के लिए काम में आता है। अपर सीलिंग स्वेल, या इसको हम अपर सीलिंग करी भी बोलते हैं। वेपन को कैरी करते वक्त हम वेपन में सीलिंग करी लगाते हैं, ये उसका अपर और नीचे रियर होता है, जहां हम सीलिंग करी को फंसा के वेपन को आसानी से कैरी करते हैं। मैगजीन, ये खुली हुई हालत में आपके पास मैगजीन इस तरह की होगी, जिसके अंदर हम राउंड को भरते हैं और मैगजीन बे में दाखिल करते हैं। ट्रिगर का काम, फायर करने वक्त हम ट्रिगर को प्रेस करते हैं, जिससे राउंड टारगेट पर हिट होता है। ट्रिगर गार्ड, यह ट्रिगर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। बट राइफल को मजबूती से पकड़ने के लिए और कंधे से सपोर्ट देने के लिए बट का इस्तेमाल किया जाता है। बट प्लेट, क्योंकि यह वेपन लकड़ी का बना होता है, इसलिए इसके नीचे हम लोहे का प्लेट लगाते हैं, ताकि ये जंग और दीमक से इसका बचाव कर सके। यह है पॉइंट 22 राइफल के मोटे मोटे हिस्से पुर्जे। अभी आपको पॉइंट 22 राइफल को खोलने का तरीका सिखाया जाएगा, जिसे पहले मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखें और समझें। आम हालत में पॉइंट 22 राइफल इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, जिसे खोलने का तरीका, सबसे पहले राइफल को दो बार कॉक करें और ट्रिगर को प्रेस करें। यह कार्रवाई इसलिए किया जाता है कि जब भी हम किसी वेपन को खोलते और जोड़ते हैं, उससे पहले हम उसकी निरीक्षण करते हैं, ताकि इसके अंदर कोई जिंदा अमुनिशन या कोई टूट फूट ना हो। अभी खोलने का सबसे आसान तरीका, आप राइफल को सीधा पकड़ें, रोटेटिंग बोल्ट को ऊपर की तरफ लें और पीछे की तरफ प्रेस करें। बच्चों ध्यान रहे, जब तक हम इसके ट्रिगर को प्रेस नहीं करेंगे, रोटेटिंग बोल्ट पीछे की तरफ नहीं आएगा। आप कलिंग वाली अंगुली से ट्रिगर को प्रेस करें और अंगूठे से इस प्रकार से बोल्ट को निकालें और जमीन पर रख दें। यहाँ इस राइफल के अंदर सीलिंग करी लगी हुई नहीं होती है। आम हालत में अगर सीलिंग करी लगी है, तो सबसे पहले हम सीलिंग करी को निकालेंगे। यह है पॉइंट 22 राइफल को खोलने का तरीका। अब यहीं से लेते हैं पॉइंट 22 राइफल को जोड़ने का तरीका। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के मध्य में बताया था कि वेपन के अंदर जो भी पार्ट सबसे पहले खुलता है वो सबसे बाद में जुड़ता है, और जो सबसे बाद में खुलता है वो सबसे पहले जुड़ता है। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट 22 राइफल में जोड़ने के लिए सिर्फ अभी हमारे पास एक रोटेटिंग बोल्ट है, इसलिए हमारे पास कोई और पूजा नहीं होने की वजह से हम सबसे पहले इसको रोटेटिंग बोल्ट को ही राइफल के अंदर जोड़ेंगे। रोटेटिंग बोल्ट को असेंबल करने का तरीका आसान तरीका से
इसको कट बे में दाखिल करें। जैसे आपने खोलते वक्त ट्रिगर को प्रेस किया था ऐसे दोबारा इसको प्रेस करें और रनिंग मोड को आगे की हरकत दें और बोल्ट के ऊपर बाद में बैठाते हुए जोर से प्रेस कर दे। यहां पे आपका राइफल जुट जाता है। यहां तक के क्लास में किसी भी कैडेट का कोई सवाल या जवाब। तो ये था उद्देश्य।